हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के शुरू में बात करने वाले हैं ब्रांड न्यू KTM ड्यूक 200 के कंप्लीट डाउन पेमेंट फाइनेंस के बारे में, जो कि LED लाइट वाला वेरिएंट है। जी हाँ, इस वीडियो में LED लाइट वाली वेरिएंट का कंप्लीट आपको डाउन पेमेंट फाइनेंस के बारे में बताऊंगा कि फाइनेंस कराने के लिए हमें कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ती है, फाइनेंस कराने से कैसा EMI बनता है, कैसा इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। आई होप दोस्तों ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब, भाई शेयर भी कर दिया करो यार, थोड़ा सा अच्छा लगता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बाइक फाइनेंस कराने के लिए आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ती है। दोस्तों, बाइक फाइनेंस कराने के लिए आपको सबसे पहले आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। जी हाँ, आधार कार्ड के बाद आपको पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। पैन कार्ड के बाद दोस्तों आपको आपकी बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी लगेगी, जिसमें आपकी सैलरी आती है। उसके बाद दो तीन फोटोज़ के बाद कुछ साइन के बाद आपकी जो बाइक है आपको फाइनेंस करके दे दी जाती है। आगे बढ़ते हैं। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं अब ड्यूक 200 के प्राइस के बारे में। आपको बताना चाहूँगा ड्यूक 200 एक्सरूम प्राइस अराउंड 196,000 196,000 रुपये के आसपास की एक्सरूम प्राइस आती है। जब से LED लाइट का अपडेट आया है तो कंपनी ने लगभग 4,000 रुपये के आसपास का प्राइस बढ़ाया है। अब आपका टोटल अमाउंट कितना आता है, 132,000 रुपये। आपका जो ऑन रोड प्राइस है वो है 232,000 रुपये। ठीक है, अब दोस्तों 232,000 रुपये हमारा जो टोटल ऑन रोड प्राइस है, इसमें हमने जो DP ले रखा है वो रखा है 42,000 आपका डाउन पेमेंट अमाउंट है, यानी कि जो हमें शुरू में पे करना पड़ता है। अब आपका टोटल अमाउंट कितना है, 1,90,000 रुपये आपका टोटल बचा हुआ अमाउंट है। इसमें प्लस करना पड़ेगा प्रोसेसिंग फीस, यानी कि जब भी हम बाइक फाइनेंस कराते हैं तो हमें प्रोसेसिंग फीस देना पड़ता है, तो इसमें लगभग 10,000 रुपये के आसपास का प्रोसेसिंग फीस लगेगा। अब आपका टोटल अमाउंट कितना हो गया, 2,00,000 रुपये। अब हमें निकालना पड़ेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज। देखिए, कोई भी कंपनी हमें बाइक फाइनेंस करके दे रही है तो ऑब्वियसली बात है भाई, उसके पीछे उनका कुछ ना कुछ फ़ायदा है, वो अपने बिना बेनिफिट के तो काम नहीं करेंगे। तो दोस्तों डिपेंड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा, डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर पे और आपके सैलरी स्लिप पे। आज के इस वीडियो में हमने 10% लिया हुआ है, तो आपका टोटल इंटरेस्ट कितना आएगा, 20,000 रुपये, यानी कि 20,000 रुपये आपका एक साल का इंटरेस्ट है। मान लीजिए दोस्तों आप बाइक को एक साल के लिए फाइनेंस कराना चाहते हैं, तो आपका जो टोटल अमाउंट है कितना है, 2,00,000 रुपये। 2,00,000 रुपये में आप 20,000 रुपये को प्लस कर दीजिए, आपका टोटल अमाउंट आएगा 2,20,000 रुपये। 2,20,000 को आप 12 यानी कि 12 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। आपकी मंथली EMI आएगी लगभग 18,333 रुपये के आसपास की। मान लीजिए दोस्तों आप बाइक को दो साल के लिए फाइनेंस कराना चाहते हैं, तो दो साल के लिए आपको सबसे पहले दो साल का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। 20,000 रुपये आपके एक साल का इंटरेस्ट है, 20,000 × 2 कर दीजिए तो 40,000 आपके दो साल का इंटरेस्ट आएगा। अब 2,00,000 में 40,000 रुपये को प्लस कर दीजिए, टोटल अमाउंट आएगा 2,40,000 रुपये। 2,40,000 को आप 24 यानी कि 24 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि दो साल में 24 महीने होते हैं। आपकी मंथली EMI लगभग 10,000 रुपये के आसपास की। मान लीजिए दोस्तों आप बाइक को 3 साल के लिए फाइनेंस कराना चाहते हैं, तो 3 साल के लिए आपको सबसे पहले 3 साल का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। 20,000 रुपये आपके एक साल का इंटरेस्ट है, 20,000 × 3 कर दिए तो 60,000, 60,000 रुपये आपके 3 साल का इंटरेस्ट आएगा। अब 2,00,000 रुपये में 60,000 रुपये को प्लस कर दीजिए, आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा 2,60,000 रुपये। 2,60,000 को आप 36 यानी कि 36 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 3 साल में 36 महीने होता है। आपकी मंथली EMI लगभग 7,222 रुपये के आसपास की, जो कि आपको पे करनी पड़ेगी 3 सालों तक। सही था दोस्तों, ब्रांड न्यू KTM ड्यूक 200 का कंप्लीट डाउन पेमेंट फाइनेंस वीडियो। आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम।